के बिलासपुर ले है। दरअसल अमर न्यायधानी बिलासपुर के ही एक रहवासी पेशा ले वकील श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल के कहना है कि ओह भगवान राम के वंशज है, जल ले के ओकर मेर कतको तर्क घलाव है। हाँ जी, आपन सही सुनो, हनुमान प्रसाद जी हा इस संबंध मा हमर देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट मा याचिका घलोक दायर करे है। ये पहली घाव नो है कि कोनो भगवान राम के वंशज होए के दावा करे है। इखर पहले भी कई जन राम के वंशज होए के दावा कर चुके हैं। ता आवा आप मल्ला मिलवाथन श्री हनुमान प्रसाद जी ले, ओकर ले गोड बात करबो और जानबो श्री राम और ओकर वंशज होए के का कहानी है तेनला। स्वागत है आप मन के, आप मन देखत हो न्यूज 36। मैं हूँ आप मन संग प्रकाश। और आप मन समझ ही गए हो कि आज कौन विषय में हमारे बातचीत रही। दरअसल पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात ला पूछे गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भगवान राम के वंशज आखिर है कौन। श्री राम जन्मभूमि ला लेके विवाद चला थे, अयोध्या जो भूमि है वहाँ विवाद चला थे। और यही बात में सुप्रीम कोर्ट है ये बात ला पूछ लीज कि अगर ये राम जन्मभूमि है तो बताओ तो कि आखिर एखर वंशज कौन है। जब ये बात ला पूछे गई तो कई जन एखर बात ला सुप्रीम कोर्ट ला बताए बर अपन अपन तर्क देहे लगीज और बताए लगीज कि कैसे श्री राम के वंशज आज भी मौजूद है। और यही बारे में ज़्यादा जानकारी बर हमर बीच मौजूद है स्टूडियो में श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी, जिन खुद ये बताही कि कैसे श्री राम के वंशज आज भी मौजूद है। तो हनुमान जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। सबसे पहले तो मैं आप मन कहूँ जय श्री राम। जय श्री राम, जय जवाहर। त हनुमान जी, अतका बछर ले तो कभू भी बातचीत नहीं चले रही से कि आखिर श्री राम के वंशज कौन है, लेकिन अब का जरूरत पड़ गई कि आप मन ला बताए पड़ा थे कि हाँ श्री राम जी के वंशज मौजूद है। बात का है कि हमन अग्रवाल समाज जो है, जब से महाराजा अग्रसेन जी है वैश्य वर्ण ला स्वीकार करे है, तब ले हमन वैश्य लिखत चलाता था। अब अपन वैश्य धर्म के अनुसार अपन सब प्रकार के क्रियाकलाप ला मान करके हमन चला था। परंतु सुप्रीम कोर्ट हर अभी अचानक पूछी से, तब पूछा थे कि जब वो राम मंदिर के निर्माण का विषय लेकर के सुनवाई चला थे जी। तो राम मंदिर के निर्माण के विषय में सुनवाई चला थे, तो बीच में अगर ये पूछा जाते सुप्रीम कोर्ट ले कि राम के वंशज मन अयोध्या में रही थे कि नहीं रहे, कि दुनिया में रही थे कि नहीं रहे, तो वो समय फिर मैं जिसने पेपर में पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट है इसने पूछी से, तो फिर मैं सबले पहली मैं चूंकि वकील हूँ तो मोर जवाबदारी पहली बन जाते कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपन बात ला रखा हूँ। तो ओगरे पर फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे है और वो शपथ पत्र ला मैं हर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल से तेकर माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट में भिजवाए हूँ। और वो मैं लिखे हूँ कि जतका जन अग्रवाल हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के रहे चाहे भारत के कहूँ भी कोना के रहे, वो जम्मो जन महाराजा राम के बड़े पुत्र जो कुसरी से ओकर वंशज में महाराजा अग्रसेन जी जन्म ले रही से और ओकरे लिए हमन के अग्रवाल समाज हर चले है जी। तो आपन जो एफिडेविट जो दायर करे हो तो मां कौन कौन सा इससे प्रूफ रखे हो जेकर ले ये पता चले कि श्री राम के वंशज अग्रवाल समाज है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, जिसे सुप्रीम कोर्ट अब पूछी जी कि राम के वंशज यहाँ ला रहे थे नहीं रहे, तो मैं सबले पहले तो इंटरनेट में मैं गए खबर कि वही माँ हमला भी आप सही सबसे सुगम जानकारी और सरल जानकारी और जल्दी जानकारी मिली वही माँ जी। तो वहाँ मैं खोजे में है तो वहाँ मैं पाए कि महाराजा अग्रसेन जो है ओकर पिताजी के नाम ऋषि वल्लभ देव और वल्लभ देव जो है भगवान राम के 34वां पीढ़ी में जन्म ले रही से और ओकर जो पुत्र हुई महाराजा अग्रसेन जी है। तो ये हिसाब से महाराजा अग्रसेन जी के जन्म और महाराजा अग्रसेन जी के बिहाव और महाराजा अग्रसेन जी की जतका लड़का हुई जम्मो झन रही ने क्षत्रिय समाज में। महाराजा राम के जन्म रघुकुल परिवार में, इक्ष्वाकु कुल परिवार में और वही इक्ष्वाकु कुल परिवार वही रघुकुल परिवार में महाराजा अग्रसेन जी जन्म ले रही से जी। ओकरे आधार में फिर मैं हमारे यहाँ के मूल महा भगवान राम के भगवान हमारे अग्रसेन जी भगवान के जो अग्र भागवत है, जो अग्रसेन जी के लीला अग्रसेन जी की जीवनी से आधार पर है, ओकर मैं
वर्णन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कि एमा जो है साफ साफ लिखे हैं कि महाराजा अग्रसेन जी जोड़ी ने ओहर श्री राम परिवार के 34वीं पीढ़ी में जनवरी से और ओकरे लिए हमारा अग्रवाल समाज हर चले है। जी हनुमान जी, आपमन अग्र भागवत जो पुराण है वह ले के आए हो ये बात ला बताए बर हमन चाहबो कि एको दो बात आपमन जो अग्र भागवत पुराण हवा है हमारे पास उखर द्वारा बताओ कि कैसे अग्रवाल समाज है भगवान श्री राम के वंशज है। ये हर अजय अग्र भागवत है मन के जी। ये अग्र भागवत में पूरा राम भगवान के महाराजा अग्रसेन जी के जीवनी है जी। एला वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए है और ये वेद व्यास जी के लिखे के बाद में एकर पहली बार प्रवचन वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य जैमिनी के द्वारा एला प्रवचन करे गए है। एकर मूल महात्मन्य जो है वो नागवंश के जो पुराण में जो दोष उत्पन्न हो रही से जन्मेजय के महाराजा जन्मेजय ला ओकर मतलब प्रभाव ला कम करे बर महाराजा अग्रसेन जी के ओला बताया जाते मतलब सुने ले और कम हो जाते जैसे समयंतक मढ़ी चोरी हो गई से तो जैसे देख लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन में कि भगवान चंद्रमल देखी तहाँ पर वो श्राप लग गए चोरी के तो वो चोरी के श्राप ले कटे पर समयंतक मढ़ी की कहानी सुने जाते हैं। अच्छा वो इसने ए हरे कि जैसे सांप के लिए मारे के बाद में सांप के अगर दोष उत्पन्न होते तो ऊपर सुनते हैं ला तो एक ले एक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। एमा हमन के अग्र भागवत में पेज नंबर 46 में लिखे है महाराजा इक्ष्वाकु कुल के इसी कुल में महाराजा मानधाता महाराजा दिलीप भगीरथ कुकुत्स महाराजा मरुत महाराजा रघु भगवान राम अनेकों कीर्तिमान राजा हुए। अब इम आगू आकर के बताते हैं कि महाराजा विश्वसाह के पुत्र का नाम बृहत्सेन था और बृहत्सेन से महाराजा वल्लभ सेन हुए और महाराजा वल्लभ सेन के पुत्र जो है महाराजा अग्रसेन है। ये किताब में हमन के साफ साफ लिखे है और ये किताब हर हमन के मूल है अग्रवाल मन के जनक के रूप में तो ये आधार हमन के मेन आधार है। तो कहे का मतलब ये है कि ये जो अग्र भागवत है उमा कई ऐसे प्रमाण बताए गए हैं जिधर द्वारा ये साबित होते कि हाँ श्री राम के वंशज आज भी मौजूद है। लेकिन वकील साहब एक और बात जो दिमाग में आते वो ये है कि हमन जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के रहे से क्षत्रिय रहे से और अग्रवाल समाज ला वैश्य माने जाते हैं तो वैश्य जो व्यापारी वर्ग है इक्ष्वाकु एक क्षत्रिय वंश है तो कैसे जो अग्रवाल समाज है वो श्री राम के वंशज होंगे। महाराजा अग्रसेन जी के ब्याह होने के बाद में उनका 18 टुक लेखा हुई तो चूंकि महाराजा क्षत्रिय समाज में रही ने तो क्षत्रिय समाज के परंपरा के हिसाब से अपन अपन प्रभुत्व बनाए बर सीमा के विस्तार के नाम लेकर के या कई प्रकार से यज्ञ के जो है महात्मा निरी से जैसे भगवान राम हर अश्वमेध यज्ञ कर रही से तो वह इसने यज्ञ के महात्मा निरी से तो अपन 18 लेखा मन के नाम लेकर के महाराजा अग्रसेन जी हर 18 ठक यज्ञ एक संग संपन्न कराई उमा विख्यात ऋषि मुनिमन जैसे महर्षि गर्ग जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि ऐसे बड़े बड़े कश्यप ऋषि है मन सब मिल करके वो यज्ञ संपन्न कराई तब 17 ठीक यज्ञ हर तो पूरा संपन्न हो गए। 17 यज्ञ में यज्ञ के पूरा होए के बाद में एक बलि दे के प्रावधान रही से बलि दिए गई बाद बलि में 17 यज्ञ पूरा हो गए। 18वां यज्ञ जब पूरा हुई और जब बलि दे के बेरा हुई तब महाराजा अग्रसेन जी लो बलि प्रथा से ग्लानी हुई कि नहीं पशु बलि जो है गलत है पशु बलि नहीं होना चाहिए और ओकरे पर फिर अपन पूरा राजपाट में पूरा घोषणा करा दिन कि आज ले मोर पूरा राजपाट में कहो मेर बलि नहीं हुआ है बलि प्रथा आज ले बंद करे जाते। अच्छा और ओकर बाद में जब वो पाप के समन पर जब तपस्या करीस माता महालक्ष्मी के तो माता महालक्ष्मी प्रकट होकर के भगवान अग्रसेन जी आशीर्वाद दीस कि बेटा आज ले तोर जो कुल है जो नागू बढ़ी वो हर लक्ष्मी पुत्र कहलाही और अग्रवाल वैश्य परिवार से अग्रवाल कहलाही तो लेका मन और वो हर वैश्य कुल में कब माने जाही काबर की वैश्य मन के देवी महर महालक्ष्मी हूँ तो वही समय ले हमार महाराज अग्रसेन जी है क्षत्रिय वर्ण ने छोड़ी और वो वैश्य वर्ण ला स्वीकार करी सोहर और ओकरे बार हमन के जतका जन अग्रवाल हन सबके कुल देवी माता महालक्ष्मी हरे और हमन माता महालक्ष्मी के लेका भी कहला थन
कहूँ मेरे भी बात होते तो लक्ष्मी पुत्र हमन शुरू से हमन कहलाता था। जी जी हनुमान जी, आप मन बता दो कि कैसे अग्रवाल समाज है श्री राम के वंशज, एक बार तर्क भी दे दो, एक लिए आपके पास में प्रमाण घलो मौजूद है। अगर भागवत के द्वारा आप मन ये बात ला बहुत अच्छा ढंग से समझा था। फिर अगर छत्तीसगढ़ की हमन बात करी तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा ऐसे प्रमाण है कि जैसे दंडकारण्य क्षेत्र ऐसे है जहाँ वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी है काफ़ी समय व्यतीत कर रहे थे, भगवान राम के नैनिहाल ही हैं, धमतरी के बाद माता कौशल्या के मायके रही से, तो का ओह गति कुछ कनेक्शन बना थे का? नहीं, वैसे डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, मगर हाँ भगवान राम के चूंकि ननिहाल अभी वर्तमान के जो धमतरी क्षेत्र है जो उन्हें पहली कौशल क्षेत्र कहलाए, अब वहाँ के राजकुमारी माता कौशल्या, तो वो हिसाब से तो ये हमारा पुराना पुरखौती है, ये पुरखौती है। और दूसरा का है कि महाराजा अग्रसेन जी की जो बिहाव है वो हर नाग कन्या सोहर से, जेका नाव ऋषे माधवी, तो हमारे तपकरा क्षेत्र हर पूरा नाग क्षेत्र कहलाते, नागलोक कहलाते हो, तो जशपुर के तपकरा। हाँ जी, तो कुल मिलाकर के ये रामन के तो पूरा अग्रवाल बन के पूरा क्षेत्र छी हुआ। हाँ हाँ ऐसे जी 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 जी। तो हनुमान जी, लेकिन अब ये बात आते है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला थे श्री राम जन्मभूमि के, बहुत समय ले सुनवाई चला थे लेकिन एक निर्णय नहीं हो पाते, आप मन ला कहाँ लगते कि आखिर कब और कैसे सही ढंग से एक निर्णय हो पाए? अब ऐसे है हमारे यहाँ तो भगवान राम हर तो सबके परम पूज्य भगवान है जी। हमन बिहना उठते तो राम राम हमन के पुराना संस्कृति है, पुराना परंपरा है, कहूँ भी मिलते तो भैया जय राम या राम राम भैया ऐसे कह के हमन शुरू ले है कि नहीं। तो हमन के पहली उद्देश्य तो वही है कि हमन के राम भगवान के मंदिर हर अयोध्या में बनना चाहिए, काबर कि भगवान राम के जन्म अयोध्या में हो है, और हमन तो कैबेज करबो कि वहाँ राम भगवान के जन्म होना चाहिए जी। मगर सबले पहली बात आते ये बाबर के जन्म कहाँ हो है, ये चीज तो पहली प्रमाण करें। अब बाबर कैसे हमारे राज्य में घुस करके हमारे भगवान राम के मंदिर अटोड़वा दी? हाँ। अगर टोरवा दीस तो यहर जवाबदारी जो है कोर्ट के बंद थे कि कोर्ट वाला देखा है कि बाबर कैसे आईस, कि बाबर टोड़ीस कि औरंगजेब टोड़ीस। मगर इलाहाबाद में मुस्लिम समुदाय के जो वकील मर रही ने ना, वो मैंने बात ला बताया मैं असमर्थ रही ने कि बाबर टोरे है मंदिर ला कि वो टोड़े रही से औरंगजेब। तो वो हिसाब से जोन भूमि के संबंध में जानकारी रखने वाला जितका वैज्ञानिक मन है, जो जमीन के मंदिर के स्थल के पूरा साफ सफाई करी, तो हर जगह पर भगवान राम के मंदिर के ही पूरा का पूरा जो है पाएगी प्रमाण। और वो हिसाब से मोला लगा थे कि ये दारी सुप्रीम कोर्ट हर राम के भगवान के पक्ष में मंदिर बनाए के आदेश ला करी। जी हमें मतलब पूरा विश्वास है कि बिल्कुल एक प्रकार के निर्णय आए। फिर अभी बेरा हो गया छोटे से ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर लौटबो और आप मन से चर्चा हमारी जारी रही। छोटे से ब्रेक पर रुकदन संगवारी हो, ब्रेक के बाद लौटबो और फिर से चर्चा ला शुरू करबो। ब्रेक के बाद फिर से आप मन के स्वागत है और हमन बात करा थन राम के वंशज के बारे में। और राम के वंशज के बारे में ज्यादा जानकारी पर हमार संग हमार स्टूडियो में आए हुए हैं हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी, उनका ना बातचीत करा थन कि कैसे श्री राम के वंशज आज भी यहाँ मौजूद है। तो हनुमान जी, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला थे और बने दिन ले ये मामला चला थे लेकिन कोई डिसीजन आ नहीं पाते, ये मामला कैसे सुलझी? का ऐसे हो कि जितको भी धर्म के लोगन हैं वो आवाए और आपसी मध्यस्थता से यह सुलझ जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ला ही अपन एक डिसीजन रखना चाहिए सही तर्क के आधार पे और ये मामला सुलझाना चाहिए, आप मन के पर्सनल एमा मत का है? मोर अपन व्यक्तिगत एमा विचार ये है कि जैसे ही वो मंदिर के सफाई के मतलब जमीन के साफ सफाई करें जितका भूगर्भ शास्त्री मन और उमा मंदिर के प्रमाण मिली, वही समय पूरा जमीन ला हिंदू मन ला सौंप देना चाहिए। अच्छा। और जहाँ पर भगवान राम के जन्म अयोध्या में हुए तो अयोध्या से बड़े तीर्थ हमन पर हिंदू मन पर कोई कुछ भी नहीं है। अयोध्या हो गए, मथुरा हो गए, गोकुल हो गए, वृंदावन हो गए, ये हमन के मूल स्थली है, मन के जो कि हमन के धार्मिक स्थली है। और
એમાં અગર હજી કોઈ ભી પ્રમાણ અગર મિલશે તો વો સીધા સીધા જાતે કહાલા હિન્દુ ધર્મ લા સનાતન ધર્મ લા તો સુપ્રીમ કોર્ટ લે ભી એમાં ગહન વિચાર કરતે હુએ તુરંત માં આર્ડર જો હે હમન કે પક્ષ માં કરના ચાહીએ કાબર કે બાબર કે કોઈ અસ્તિત્વ આજ કે તારીખ માં રહેશ નહીં હે દ્વાપર યુગ કે ખતમ હોત તક લે મુસલમાન કે કોઈ અસ્તિત્વ કહીં પર નહીં રહેશે અચ્છા સીધા હમન કે અસ્તિત્વ મુગલ કાલ મેં સહી પ્રારંભ હમલા દિખી છે ભારત મેં મન કે આ ઓકર પહેલી હમન કહું મેં નહીં પઢે ના હમન જાનતા ના હમર શાસ્ત્ર મેં ચીજ કે મુસલમાન મન કે કોઈ ઉલ્લેખ હે તો હમર ભારત મેં હમર ભારત જો સનાતન ભારત હે જો સનાતન હમર દેશ હે અવ યહાં લા પૂરા પૂરા હમર ભારતીય સંસ્કૃતિ હે હમર ધાર્મિક સંસ્કૃતિ હે જેમાં કે ભગવાન રામ ભગવાન કૃષ્ણ એમન કે જો હે એ મતલબ મર્યાદા પુરુષોત્તમ ઓર જગતગુરુ કે રૂપમાં ઉપાધિ મિલે હે તો હમન કે તો પહેલી માંગ હે કે હમન કે મંદિર બનના ચાહીએ ઓર સુપ્રીમ કોર્ટ લે ભી સંજ્ઞાન લેકર કે નિષ્પક્ષ રૂપ સે હિન્દુ મતલબ શબ્દ ના ચાહીએ જી फिर अभी बात कर दूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट है पहली बार ये पूछी से कि श्री राम के वंशज आखिर है तो है कहाँ और जैसे ही ये सवाल पूछे गए से आप मन के अलावा भी कई जन ये दावा कर चुके हैं कि हाँ श्री राम के वंशज मौजूद हैं तो कहे का मतलब ये है और तर्क भी दिए जा चुके हैं तो श्री राम के वंशज है ये बात तो तर्क के साथ प्रमाणित हो चुके हैं लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब अगला कदम सुप्रीम कोर्ट के का हो सकते हैं जेमा आपमन एफिडेविट दायर करे हो तो अब अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से का हो सकते हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तेमा खाली एक मुला लगत है फॉर्मल जानकारी पर पूछी से जी कि राम के वंशज हां है कि नहीं है और बाकी हम मुला विशेष कुछ नहीं लगत है जी और यह जो ये तो खाली जमीन के और मंदिर के सुनवाई है और मंदिर के सुनवाई और मंदिर के प्रमाण मिल गए अतका कहना पर्याप्त है हमन के कानून के भाषा में एक लाइन में हमन मामला जीतन एक लाइन में मामला हारसन तो चूंकि हारे के तो प्रश्न ही नहीं है मैं तो मंदिर के पूरा प्रमाण मिल गए हाँ अब बस ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला करा थे चीज में तो आप मन लगा लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला करे नहीं मंदिर के हिसाब से मंदिर के प्रमाण मिले है जी। तो मंदिर के प्रमाण मिले है तो हमन के मंदिर में मिलना चाहिए हमन जी हाँ मंदिर के पक्ष में आदेश आना चाहिए कब तक आ सकते आदेश अब जितना तेजी से सुनवाई हो थी जी मुझे लगा था एक आठ महीना में दो महीने में तो आ जाएगी जी काबर ये बात है ना कि ये जो मुद्दा है वो आस्था से जुड़े हुए मुद्दा है और आस्था से जुड़े हुए जो मुद्दा रिथे उमा फिर ज्यादा लेट लगती भी होते तो फिर लोगन के आक्रोश कहीं ना कहीं सामने आए लगते आप उनके का कहना है नहीं हमारे हिंदू समाज हर मामला में काफी शांत प्रिय है जी और हिंदू समाज कभी भी तब तक कोई शस्त्र नहीं उठाए तब तक कोई बात नहीं बढ़ाए जब तक कि ओकर ऊपर एकदम लगते कि अब मोर पास कोई साधन नहीं बच गए तभी चोहर कोई आक्रामक रूप ला ना थे अदरवाइज हमारे शांति प्रिय ढंग से ही निराकरण अभी तक सब्र करे हैं आगू इंतजार करबो और आगू इंतजार करे के बाद भगवान राम के मंदिर बन ही जी जी चलो तो अब देखे वाला बात ये हुई कि श्री राम जन्मभूमि की ये जो मसला है वो कब तक सुलझ पाही कब तक इमा निर्णय आ पाही फिलहाल हनुमान जी आप मन हमारे स्टूडियो में आए हैं और सुघर जानकारी दे हो कि कैसे श्री राम के वंशज आज भी मौजूद है एक बारे में जानकारी दिए हो एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद भाई तो संगवारी हो आज के हमारे विशेष कार्यक्रम राम के वंशज माँ अतकेज मोला दो विदा जय जोहार जय जोहार